गुलाम अंधभक्त बने हैं तो उन्हें जगाना होगा। क्यों? क्योंकि आप किसके अंधभक्त बने हैं? उन्होंने तो जो है ना संविधान, जिसका 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है, जो 20% हिस्सा बाबा अंबेडकर ने दिया है, जिसमें फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इन दुष्ट राजनेताओं ने तो उसको धज्जियां उड़ा दी। क्यों? क्योंकि संविधान ने हमको तो बराबर पैदा किया था, इन दुष्ट राजनेताओं ने हमें जाति और धर्म में बांट दिया। ये इतने दुष्ट हैं, इन्होंने वक्फ बोर्ड जैसा घटिया डिस्क्रिमिनेटरी लॉ जो है वो संविधान के कॉन्ट्राडिक्शन में होने के बावजूद भी उसे अडॉप्ट किया और उसे नल एंड वॉइड घोषित नहीं किया। ये इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने वर्शिप प्लेसेस एक्ट जैसा 8 सेक्शन का घटिया एक्ट बनाया, जिसके 4th सेक्शन ने आपसे न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया। तो ये तो इतने दुष्ट हैं कि आपको न्याय की भीख नहीं मांगने दे रहे हैं, इतने दुष्ट हैं ये। इन्होंने जो है उस हर डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उल्लंघन किया जो आपके हित में था। यदि मैं आपका ध्यान दिलाऊं तो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा नहीं, ये देश के संविधान का डायरेक्शन है इन दुष्ट राजनेताओं को। आज 75 साल के बाद भी इन दुष्टों ने आपको उससे वंचित रखा है। आर्टिकल 47 जो कहता है कि इस देश में कोई भी नशीली चीज जो है ना पैदा हो सकती है ना बिक सकती है, ये इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने घर घर पर जो है ना शराब की दुकानें खोल दी हैं, घर घर पर पाउच पहुंच रहा है। आज व्यक्ति शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ है, वो बेकार हो गया है, महिलाओं को जो है ना हार कर जो है आंदोलन करना पड़ता है और ये उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये दुष्टता पूर्वक अभी जो है महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो महिलाएं बोल तो नहीं पाएंगी, इसी पार्टी व्हिप से बंधी होंगी, ये इनकी बंधुआ मजदूर होंगी, तो वो महिलाएं क्या कर लेंगी बताइए मुझे? वो महिलाएं क्या आर्टिकल 47 को पालन करा पाएंगी? नहीं करा पाएंगी। लिहाजा ये आरक्षण बेकार है, जब तक कि हम जो है सही मायने में गुलामी के जो नियम कानून है इनको बदल दें, पार्टी विहीन प्रजातंत्र ले आए, तो जिसमें पार्टी व्हिप नहीं होगी बल्कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बन जाएगा उसे तो वोटिंग पावर भी नहीं होगा, उसे अपने अच्छे कानून को तर्क के आधार पर ही पार्लियामेंट में पास कराना होगा, दादागिरी के आधार पर नहीं, व्हिप के आधार पर नहीं। तो इतने महापरिवर्तित भारत के लिए क्या हम जुड़ने में भी संकोची करेंगे? हम किस बात के दल गुलाम हैं? हम किस बात के अंधभक्त हैं? क्या माननीय नरेंद्र मोदी ने एक भी कानून जो दुष्ट जो है कांग्रेस ने संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए थे, क्या उसे बदला? मैं मिस्टर साव आपसे पूछता हूं, क्या इस देश में मंडल कमीशन का फॉर्मेशन संविधान की व्यवस्था का उल्लंघन नहीं है? क्या ये जाति और धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? जो आपको आरक्षण जो है 10 साल के लिए दिया गया था और ये अपेक्षा की गई थी कि 10 साल में ये दुष्ट राजनेता सामर्थ्य पैदा कर देंगे, इन दुष्टों ने उसे अपने वोटिंग उसके लिए यूज किया और उसे 75 साल तक बढ़ाया, लेकिन हमें सामर्थ्य नहीं दिया, हमें योग्यता नहीं दी, हमें मेरिट नहीं दी। क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि हम एक ऐसा अद्भुत भारत पैदा करने जा रहे हैं जिसमें हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक कॉस्ट सेटलिंग या डेबिट अकाउंट। हमारे बच्चा, गरीब से गरीब बच्चा बेस्ट एजुकेशन पा पाएगा और वो भी उसे उसको लोन नहीं लेना होगा, वो जो है अपने ही डेबिट अकाउंट से, डेबिट एंट्री के माध्यम से वो जो चाहेगा वो पढ़ पाएगा और जब वो कमाएगा, जब धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। तो भारत जो है इसके पास इतने रिसोर्सेस पैदा होने वाले हैं। क्राइम फ्री भारत में जो रेवेन्यू मॉडल है वो धन की वर्षा करेगा। भारत सरकार के पास केवल क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से आज जो भारत सरकार कमा पा रही है
उससे 10 गुना धनराशि केवल क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से आएगी। क्राइम फ्री भारत जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत भी लाएगा और उसमें एक 2% की ट्रांजेक्शन फीस होगी। इस 2% की ट्रांजेक्शन फीस से इतनी धन की वर्षा होगी कि आज जो भारत सरकार कमा पा रही है उससे 10 गुना। तो जब भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा होगा और भारत में हर व्यक्ति को जो है आज तनख्वाह मिल रही है उससे दुगने से ज्यादा उसे पैसा मिलेगा और वो भी रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से मिलेगा और वो रेवेन्यू स्ट्रीम जो है भारत सरकार के ऊपर लोड नहीं बन रही है तो भारत सरकार का खर्चा आधा हो जाएगा और आमदनी 20 गुना हो जाएगी। तो बताइए भारत सरकार के पास पर्याप्त पैसा होगा कि नहीं होगा फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए धन की कभी कमी आएगी क्या? नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो आप मुझे बताइए फिर इस देश में टैक्स क्यों लगेगा? लिहाजा क्राइम फ्री भारत कह रहा है भारत टैक्स फ्री होगा, भारत महंगाई फ्री होगा, भारत में कोई कर्ज नहीं लेगा तो भारत कर्ज मुक्त होगा और ये सब जो है इनकम टैक्स और ये सब लोग फ्री हो जाएंगे कि जब टैक्स नहीं होगा तो इनका क्या काम है। तो ये लोग जो है इनको रिट्रेन करके दे विल बिकम द सपोर्ट सिस्टम। तो जब आपके डेबिट अकाउंट में एंट्री बढ़ेगी और आप पैसा नहीं कमाएंगे तो ये आपके पास पहुंचेंगे कि मिस्टर साव क्या आपके पास समय है, हम आपके पास आना चाहते हैं, हमें आपके साथ बैठना है कि आप पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, राइट? और ये जो है इनकी जिम्मेवारी होगी कि आपको ट्रेंड मैन पावर दें, बेस्ट रॉ मटेरियल आपके घर पे उपलब्ध करा दें और यदि आप प्रोड्यूस करने के बाद बेच नहीं पा रहे हैं तो उसको बेचने की मैकेनिज्म भी प्रोवाइड कराएं तो इस देश में कोई भी व्यक्ति दिवालिया नहीं होगा, तो दिवालिया मुक्त भारत होगा। ऐसे अद्भुत भारत को आप नहीं चाहेंगे क्या? तो इसके लिए यदि कोई डरा हुआ और सताया हुआ व्यक्ति है तो सदस्य की शपथ ले ले और यदि वो निडर है और यदि वो संगोष्ठियां करके संगोष्ठी उसको भीड़ इकट्ठी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो राजनेता जैसा कोई काम नहीं करेगा। आज माननीय नरेंद्र मोदी के लिए भी भीड़ नहीं आती है, उनके लिए गाड़ियां भेजी जाती हैं, 500 रुपए दिए जाते हैं, लंच डिनर की व्यवस्था की जाती है। तो पब्लिक की तो आदत खराब हो गई है, लिहाजा कोई आम सभा नहीं करना है। क्या करना है? उन्हीं के बीच पहुंच जाइए। उसमें तो जो है आपको गाड़ियां भेजना पड़ रही हैं, मंच बनाया जा रहा है जो लाखों रुपए का है, पीए सिस्टम लग रहा है जो कि लाखों रुपए का है और आप जो है ना भीड़ भी किराए की इकट्ठी कर रहे हैं। क्राइम फ्री भारत को ये सब ढकोसला करने की जरूरत नहीं। तो क्राइम फ्री भारत क्या कह रहा है? भैया हम तो आपके घर पहुंच जाएंगे और हमारे उसमें 10 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो तो 15 लोग हो, बट किसी भी कीमत से 20 से ज्यादा लोग तो होने ही नहीं चाहिए। अब बताइए आप इसके पास पहुंचेंगे तो वो आपको एक कप चाय तो पिला देगा कि नहीं पिला देगा? जब आप उसे विस्तार से ये सब चीजें बताएंगे और उससे पूछेंगे भाई साहब आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हैं, उत्पीड़ित हैं, इस वर्तमान व्यवस्था के सताए हुए हैं, तो आप पर्दे के पीछे रहकर काम करना चाहते हैं तो आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाओ, तो वो तैयार होगा कि नहीं होगा? और यदि उसके कोई प्रश्न है तो वो भी लाइव लिंक से मैथिली शरण गुलतून को जवाब दे रहे हैं, आपको वो जवाब भी नहीं देना है तो बताओ लोगों को समझाना क्या कठिन होगा? आज जो फालतू का जो है महिमा मंडन करके रखा है, मोदी मोदी करके रखा है, मैं आपसे कह रहा हूं आप मुझे 5 काम बता दीजिए माननीय मोदी जी के, मैं उसकी गहराई में घुस जाऊंगा तो आपको लगेगा कि कोई कुछ काम नहीं है।
जैसे लोगों ने कहा कि साहब आर्टिकल 370 हटा दिया, तो मैंने कहा भाई साहब कौन सा बड़ा काम है, बीजेपी का ये बिगिनिंग से जो है ना एक घोषित एजेंडा रहा था कि आर्टिकल 370 को हटाएंगे। अब ये तो कांग्रेस की दुष्टता है कि वो कह रही है कि नहीं साहब आर्टिकल 370 हट ही नहीं सकता है। अरे भाई साहब, जिस आर्टिकल की हेडिंग में लिखा हो कि इट इज अ टेम्पररी क्लॉज, क्या ये बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत है कि इसे बड़ी आसानी से हटाया जा सकता है? बताओ, बहुत बुद्धिमान होने की जरूरत है क्या? नहीं है। अच्छा, उसमें क्या, उसमें प्रक्रिया भी उसी क्लॉज में दी गई है कि भाई प्रेसिडेंट जो है उसको बाय नोटिफिकेशन हटा सकता है। उसमें एक कंडीशन दी गई है कि कंस्टिट्यूएंसी असेंबली से कंसल्ट करेगा केवल, राइट। अब अज्यूम करिए कि एक नियम बना कि आपको मैथिली शरण गुप्त से जो ना कंसल्ट करना पड़ेगा, मिस्टर साव को कुछ काम करना है तो मैथिली शरण गुप्त को कंसल्ट करना पड़ेगा। अब मैथिली शरण गुप्त दिवंगत हो गए, तो आर यू ऑब्लाइज टू कंसल्ट ए पर्सन जो दिवंगत हो गया हो? आपको क्या लगता है, आर यू ऑब्लाइज? तो यदि कंस्टिट्यूएंसी एग्जिस्टेंस में नहीं बची है तो उसका कंसल्टेशन बिकम सुपरफ्लस, इसमें अंग्रेजी का वर्ड होता है, ये निष्क्रिय हो गया। लिहाजा आर्टिकल 370 हटाना बच्चों का खेल था। इट कुड हैव बीन रिमूव्ड जस्ट बाय मेयर नोटिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि कंस्टिट्यूएंट को असेंबली तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, लिहाजा उसका कंसल्टेशन कैन नॉट बी द रीजन। आप बताओ, ये बड़ा काम था क्या? एक काम जो इतने समय से ये पार्टी बचपन से जो है ना चल कह रही है, और उसको हटाना कोई बड़ा काम था? बच्चों का खेल था। अब दूसरी बात थी आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A कांग्रेस का और जवाहरलाल नेहरू का घटियापन था। क्या मैं आपसे पूछता हूं मिस्टर साव, क्या कोई आर्टिकल हमारे संविधान में बिना पार्लियामेंट में जाए, बिना पार्लियामेंट के पास किए, क्या हमारे संविधान का हिस्सा बन सकता है? नहीं। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने घटियापन से, असंवैधानिक तरीके से उसे जो है संविधान में घुसाने की कोशिश की। घुस तो सकता नहीं है, इसलिए घुसा नहीं, वो घुसा हुआ सा प्रतीत कराया गया। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2019 में उसे हटाया, तो मैं उसको देखता हूं कि यदि आपके घर में कोई चोर घुस जाए तो आप चोर को क्या फूल माला पहना के अपने सामने के दरवाजे से विदा करोगे? क्या करोगे? चोर को डंडा मारोगे, जिस क्षेत्र से घुसा है उसी क्षेत्र से वापस करोगे कि नहीं करोगे? कि फूल माला पहना के उसे फ्रंट डोर से दरवाजे से आगे ले जाओगे? आपका क्या कहना है? डंडा मारेंगे। तो भाजपा ने 2019 में एक ऐसा आर्टिकल जो कि असंवैधानिक था, जो संविधान में ठीक ढंग से घुसा ही नहीं, उसको बाहर निकाल के उसे मान्यता प्रदान कर दी, उसे फूल मालाएं पहना दी। मैथिली शरण गुप्त होते तो उसे शून्य घोषित करते। पार्लियामेंट पूछती, बताओ भाई साहब ये अंदर कैसे आया, और जब अंदर ही ठीक ढंग से नहीं आया तो मैं इसे शून्य घोषित करती हूँ। तो पार्लियामेंट उसे शून्य घोषित करती तो बात खत्म हो जाती कि नहीं हो जाती? तो हटाना बड़ा काम है या उसे शून्य घोषित करना चाहिए था, जो माननीय नरेंद्र मोदी ने नहीं किया? क्या आप मेरे तर्कों से सहमत हैं? बिल्कुल। फिर उसने मुझसे तीसरी बात कही, अरे साहब राम जन्म भूमि का मंदिर। मैंने कहा भाई साहब वो भाजपा ने तो किया नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट से कराया गया है, राइट। रही मंदिर का निर्माण, तो मंदिर के जो जमीन खरीदी का जो घोटाला है उसके कई वीडियो आपने भी देखे होंगे, तो घोटालों से भरपूर है। इतना पैसा इकट्ठा किया गया है, मैं तो कह रहा हूं भाजपा को श्वेत पत्र लाना चाहिए कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, और ये भी देश को विश्वास दिलाना चाहिए कि पूरा पैसा राम जन्मभूमि के लिए ही उपयोग में लाया जाए। आपको नहीं लगता है कि ये भरोसा दिलाना चाहिए? तो ये राम जन्मभूमि कोई बड़ा काम है, बल्कि इसमें जो है पारदर्शिता नहीं रखी है, अब तक कितना पैसा इकट्ठा हुआ है इसे पब्लिक को नहीं बताया है, और ये नहीं कहा है कि
कि मैं पूरे पैसे को जो है इसी काम के लिए यूज करूंगा, लिहाजा देखा जाए तो भाजपा की ये भी दुष्टता है कि नहीं है? दुष्टता है। फिर उसने मुझसे कहा, अरे साहब चारों तरफ मोदी 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 हो रहा है। तो मैंने कहा, भाई साहब मोदी मोदी हो रहा है, किस कीमत पे हो रहा है ये तो देख लो। तो भैया भाजपा से कहो एक शोध पत्र लेके आए, कितना पैसा खर्च किया है मोदी मोदी कराने में। इस मोदी मोदी कराने के बजाय यदि इस देश को गुलामों के नियम कानून से मुक्त करा देते, यदि इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी और अकाउंटेबल बना देते, जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, जो 5% के साथ अपराध मुक्त भारत करा देते, तो देश का भला हो जाता। ये मोदी मोदी से काम नहीं होता। जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भारत के सबसे गरीब व्यक्ति को 2,00,000 रुपए बर्तों क्रय शक्ति दे देंगे, वो कराना चाहिए था। कराना चाहिए था कि नहीं कराना चाहिए था, बताइए मुझे। डू एग्री विथ मी? तो अब ये बताओ, हमें किसी का अंधभक्त और दल गुलाम क्यों होना चाहिए? तो उसने कहा, अरे साहब आपको मालूम नहीं, आदित्यनाथ योगी जी ने जो है वो बुलडोजर चलाए हैं और ये किया है, बदमाशों पे बड़ा नकेल कसी है। तो मैंने कहा, भाई साहब बुलडोजर एक्ट ले आते, 80% भाजपा के ऊपर चढ़ जाता वो, इसी डर से ये बुलडोजर एक्ट नहीं ला रहे हैं। बोले साहब दंगे नहीं हुए हैं। मैंने कहा, भाई साहब 4 सेक्शन का एक एक्ट ले आइए। मैं जो ना पिछले 4-6 महीने से माननीय नरेंद्र मोदी से रोज प्रार्थना करता हूँ कि भाई साहब ये 4 सेक्शन का एक एक्ट ले आइए, किसी की भारत में औकात नहीं होगी कि वो दंगा फसाद करे, भारत में किसी की औकात नहीं होगी कि वो लव जिहाद करे, भारत में कोई किसी की औकात नहीं होगी कि ISI का जो है ना वो एजेंट बन जाए, किसी की औकात नहीं होगी। और बड़ा छोटा सा 4 सेक्शन का एक्ट है जो मैं चाहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी तक जरूर पहुंचे, अभी समय है, अभी भी वो इनेक्ट किया जा सकता है। और यदि वो नहीं करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त तो 2024 में कर ही रहे हैं, इसमें कोई मुझे कोई बहुत इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, हमने उनको वोट दिया है, लिहाजा ये उनकी जिम्मेवारी है और मेरी तरफ उनकी जवाबदारी भी है कि जो एक्ट मैं कह रहा हूं उसे वो बनाए। तो मैं आपको 4 सेक्शन का छोटा सा एक्ट बताऊं क्या? बताओ। तो ये कह रहा है कि साहब आर्टिकल 25 का उल्लंघन एक बहुत जघन्य अपराध होगा और इसका एक्ट का नाम देंगे प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 आपको क्या हक दे रहा है कि भारत में रहने वाला हर नागरिक जिस धर्म को मानना चाहे वो मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। अब बताओ कोई भी मुसलमान क्या ये कह सकता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा, या कोई भी हिंदू ये कह सकता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा? भारत के नागरिक को जो धर्म मानना है, जिससे उसे मुक्त मिल रहा है, हमारा संविधान उसका इजाजत दे रहा है, क्या किसी मुसलमान की ये औकात हो सकती है कि वो कहे कि मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेगी और 72 हुरे भी मिलेंगी, ये क्या आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है? तो आर्टिकल 25 का उल्लंघन एक जघन्य अपराध बना दिया जाएगा। उसका सेक्शन 2 कह रहा है कि भाई साहब जमानत नहीं मिलेगी, जमानत केवल एक ही परिस्थिति में मिलेगी, यदि की गई रिपोर्ट झूठी है। मतलब आपने आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं किया है, किसी ने झूठा कह दिया है, तो आपको जमानत मिल जाएगी। फिर क्राइम फ्री भारत के जो ट्रायल मॉडल है, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल का मॉडल है, उसके तहत 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा और जो सजा होगी वो मिनिमम 15 साल की होगी। ये हो गया सेक्शन 3। अब बताइए सेक्शन 4 है जो कह रहा है कि जो भी इस अपराध का दोषी होगा उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यदि उस अपराधी के पीछे कोई संस्था खड़ी हुई है तो वो अवैधानिक घोषित हो जाएगी और उस संस्था की भी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब मुझे बताओ भारत में कोई दंगा करा सकता है क्या? भारत में कोई घटियापन कर सकता है क्या? भारत में कोई घटिया कमेंट कर सकता है क्या? क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं कर सकता है ना।
तो माननीय मोदी जी ने तो ऐसा नहीं बनाया है। यदि उनकी नियत जो है सच में एक अच्छा भारत स्थापित करने की होती तो जो नियम मैं कह रहा हूं वो नियम बनाते। और कांग्रेस तो एकदम घटिया घटिया पार्टी है। कांग्रेस का देखिए आप, उसने एक कॉमनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट बनाया, दो बार कोशिश की उसे पार्लियामेंट में से पास कराने की, 2005 में और 2011 में। मिस्टर साव वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसे पढ़ लो, पागल हो जाओगे आप कि भारत में कोई ऐसे ऐसा एक्ट बनाने की बात भी सोच सकता है जिसमें इतने सारे प्रिजम्पशन हैं कि मिस्टर साव उसके सामने से निकल रहे हैं बिना किसी अपराध के, बिना किसी एक्शन के आप अपराधी हैं। जिस गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं उसका ड्राइवर भी अपराधी है, आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। ये कैसे देश में आप जा रहे थे, कितनी घटिया है कांग्रेस। तो वहां जवाहरलाल नेहरू घटिया है। अब किसी ने मुझसे कहा कि भाई देखिए इंदिरा जी ने कितना बढ़िया काम किया, तो हमने कहा बहुत बढ़िया काम किया। 93,000 जो है ना सेक्शन जो है ना सैनिक गिरफ्तार होने के बाद बिना बार्गेन किए उनका एरिया उनको दे दिया और हमारा पूरा जम्मू एंड कश्मीर उनके पास बना रहने दिया। कितनी महान नेता है, इतनी महान नेता है कि जिसने जो है उस आजादी की भूमिका निभाई, उस फील्ड मार्शल को जो है इन्होंने पेंशन नहीं दी। अभी आपने सुना होगा कि अब्दुल कलाम उससे मिलने गए तो बातों बातों में उन्हें मालूम पड़ा कि उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। तो एक सप्ताह के अंदर तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कमाल कलाम जी ने उनका जो है पेंशन का चेक उन तक पहुंचवाया। और फील्ड मार्शल जी जो है ना वो इतने महान व्यक्ति थे कि उन्होंने बिना समय गमाए उस पूरी पेंशन को जो है वेलफेयर फंड में जमा करा दिया। तो उन्हें पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन कितने दुष्ट लोग हैं ये इतने दुष्ट लोग हैं कि इन्होंने अपने ही जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव की मौत होने पर उसका दफनाना जो है वो दिल्ली में नहीं दफनाने दिया, उसको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया। उसके लिए इन्होंने कांग्रेस के कार्यालय में ताले लगाए। सभी कांग्रेसी देशद्रोही हैं, दुष्ट हैं। तो यदि कांग्रेस महादुष्ट है तो भाजपा भी दुष्ट है। अब सभी दुष्टों की पराजय तय है। अब बताओ मिस्टर साहब, कितनी ऊर्जा के साथ आप चंद्रगुप्तों को पहचान के उनको, क्योंकि समय कम बचा है, क्या आप पूरी शक्ति लगाने के लिए तैयार हैं? तैयार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मैं मुझे वो एनर्जी नहीं मिल रही है। तो जब आपने इसमें इच्छा जाहिर की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या चंद एकाध महीने की बात है, क्या एकाध महीने के लिए आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके जो चंद्रगुप्तों को आपको समझ में आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करा के रोज संगोष्ठियां करके जो डरे हुए सहमे लोग हैं उनको जो है सदस्य बना दीजिए, और जो निडर लोग हैं उनको चंद्रगुप्त बना दीजिए, चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए।